हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास टेंथ का जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, उसकी पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.1। इस मात्र एक वीडियो में इसके सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी इस चैप्टर का, यानी प्रश्नावली 1.1 से पहले मैंने इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन, जी हमें दोस्त सारे के सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था एक वीडियो में। और उसी वीडियो में मैंने सारी संख्याओं के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया था कि सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, भाज्य सह अभाज्य, अभाज्य परिमेय अपरिमेय, सारी संख्याओं के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि आपके एग्जाम में इन संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सारी संख्याओं के बारे में बताया था उस वीडियो में, और उसके अलावा इस प्रश्नावली 1.1 के जितने भी उदाहरण है उस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रश्नावली को खत्म करने के बाद वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में देखो हर एक प्रश्नावली के एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में मतलब प्रश्नावली से तो कम सीधे सीधे एग्जाम्पल के सेम टू सेम क्वेश्चन उठाकर दे देता है। तो इसलिए हर एक प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स को भी लगाना जरूरी है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, प्रश्नावली जो 1.1 है। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलो प्रश्नावली 1.1 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो जो पहला आप लोग का प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 है, उसमें जो पहला प्रश्न है, ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इनका हमें गुणनखंड करना है। तो चलो एक एक को हम लोग गुणनखंडित करते हैं। इसमें पहला है, आप लोग देख सकते हो पहला क्या है, 140। तो 140 का चलो हम लोग गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले ऐसे कर लोगे, फिर 2 से यहाँ हम लोग भाग देंगे तो 2 × 7 = 14 और 0 का ये 0, और 2 से फिर यहाँ भाग देंगे तो ये 35 हो जाएगा, यानी 35 × 2 = 70। ये आपका 5 से कटेगा, यानी 5 × 7 = 35 और ये 7 से, तो 7 × 7, यानी हम लोग का यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया इसका, 140 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड ले तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड बराबर, गुणनखंड बराबर क्या, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, 2 × 2 = 4 और 4×5 = 20 और 20 × 7 = 140, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब चलो सेकंड को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, वो है हम लोग का 156, ठीक है, 156 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये 2 × 7 = 14, 1 बचा, ये 2 × 8 = 16, फिर 2 से, क्योंकि ये 2 × 78 कट जाएगा तो 2 × 3 = 6, 1 बचा यहाँ 18 हो गया, 2 × 9 = 18 = 39 और 13 × 3 = 39, यानी 3 से कट जाएगा तो 3 × 3 = 3 और तितली का 9 और 13 फिर किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा तो 13 × 13 = 13, 1 आ गया, सिंपल है। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे भाई, जो ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक है, क्या 2 × 2 × 3 × 13, तो ये सेकेंड भी हो गया। चलो अब थर्ड कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या है भाई, थर्ड वाला है हम लोग का 38 × 25, तो 38 × 25 का भी हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड, 38 × 25 इसका हम लोग गुणनखंड चलो करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ अंत में 5 है तो ये 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये आपका 5 से ही कटेगा, ठीक है, तो चलो 5 से हम लोग इसको कटाते हैं, 5 से यहाँ हम लोग भाग देंगे तो देखो ये 5 × 7 = 35, 7 बार जाएगा और 5 × 7 = 35 हो गया, 3 × 38 = 3 बचा तो यहाँ 32 हो गया, ठीक है। तो अब फिर हम इसको भाग देंगे तो 5 × 6 = 30 = 6 बार जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ 5 × 25, तो ये आपका 5 से 765 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ अंत में 5 आ रहे हैं तो फिर ये 5 से कटेगा, 5 से इसमें फिर हम भाग देते हैं तो 5 × 5 = 5, 2 बचा तो यहाँ 2 आया तो ये 26 हो गया, तो ये 5 × 25 हो गया, फिर 1 बचा तो ये 5 × 3 = 15, 1 से हम लोग का 53 हो गया, ठीक है। अब देखो ये अंत में 3 है तो हाँ ये 3 से कट ही जाएगा, देखो 3 × 5 = 15 × 3 = 3, यानी ये 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3, और देखो 51 हो गया, 17 × 51 होता है, यानी 3 से कट जाएगा, ये 17 हो जाएगा और फिर 17 किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा तो 17 × 17 ये पूरा कट गया। फिर यहाँ सिंपल अब लिख दो कि अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणन
खंड, और क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हो कि 38-25, मतलब अभाज्य गुणन खंड किसका, 38-25 का, बराबर वो क्या हो जाएगा हम लोग का 5 गुणे, थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, सबसे पहले ये छोटी संख्या लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, आप कहोगे कि यहाँ शुरू में आपने ये 5 से कटा दिया था, ये 3 से यहाँ कट रहा है, इसका मतलब ये भी कटना चाहिए, तो कटना चाहिए, यहाँ हम लोग 3 से भी कटा सकते थे शुरू में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले छोटे में लिखो ऐसे कि 3 गुणे 5 गुणे 7, या इसको डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 गुणे 5 गुणे 3, ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ये 7 नहीं है भाई, ये 17 है, तो यहाँ 17 लिखोगे, 17 ऐसे, ये भी सही है, ये भी सही है, कैसे भी दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, आपका मन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हम लोग का 38-25 का भी हमने ये कर लिया गुणनखंड। अब चलो जो फोर्थ नंबर है 5005, इसका करते हैं। 5005 का, इसके लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, एक मिनट, अगले पेज के लिए यहाँ से रुक जाओ, एक नया पेज मुझे लेना पड़ेगा, एक मिनट, सॉरी यार, एक मिनट, ये मैं इसको ऊपर थोड़ा करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, इससे और ऊपर करना पड़ेगा क्या यार, सॉरी। चलो यहाँ पे ये हम लोग का पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चौथा हम लोग को 5005 का मतलब गुणनखंड करना है। चलो करते हैं, क्या दिक्कत, ये हम लोग का इसमें चौथा है, वो क्या है 5005, सिंपल ये आपको दिख रहा है कि भाई 5005 है, तो ये मतलब 5 से कटेगा, तो ये 1000 आपका 1 हो जाएगा। अब देखो ये 1001 अब किससे कटेगा, तो ये आपका 5 से नहीं कटेगा, 5 × 10 नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा। देखो 7 × 1 = 7, 3 बचा यहाँ पे, तो ये 7 × 28 = 29, 30 = 2 बचा, तो ये 21 हो गया, तो 70 × 21 143 हो गया। ठीक है, अब 143 किससे कटेगा भाई, तो ये 11 से कटेगा। ठीक है, 11 × 1 = 11 और 3 = 33, ठीक है, 11 से कटेगा, तो यहाँ 33 हो जाएगा। कैसे, 11 × 11 = 3 बचा, तो यहाँ आया 3, तो 33 × 11 = 33। ठीक, अब देखो, तो नहीं, माफ करना यार, एक मिनट, ये 11 × 11 हो गया, और फिर यहाँ 3 बचा, तो यहाँ 3 आया, तो 11 × 33, यानी ये 13 हो गया, और फिर ये 13 से एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम लोग का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, वो हम लोग का हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, ऐसे लिख दिए, सिंपल। उसके बाद चलो ये हम लोग पांचवा और अंतिम कर लेते हैं। पांचवा और अंतिम क्या है, 74 × 29 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलो हम लोग 74 × 29 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, यानी 7429 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। अब देखो ये किससे कटेगा, अभी आपको मतलब थोड़ा मतलब ये कठिन हो जाता है, मतलब आपको रुलाएगा, आप खोजते रह जाओगे कि 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा, लेकिन आखिर में जाकर ये 17 से कटेगा। ठीक है, ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा। तो चलो 17 से इसमें हम लोग भाग देते हैं, तो 17 से हम लोग इसमें भाग देंगे, तो देखो ये 17 × 17 = 34, 17 × 51 = 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, तो 69 × 70 = 6 हम लोग का बचेगा, तो 6 यहाँ आएगा। ठीक है, तो यह देखो ये 74 तो हो गया, ठीक है, यहाँ इसका काम खत्म, यहाँ 6 आएगा, 6 बचेगा, तो हम लोग का ये 62 हो गया। तो अब हम लोग का कितने बार भाग जाएगा भाई, तो 17 × 3 = 51, अब हम लोग का भाई 62 है, तो 51 कितना बचा, इसमें हम लोग का 9 × 2 = 11, तो यहाँ 11 आया, तो 100 हम लोग का क्या हो गया, 19 हो गया, और 119 हम लोग का 17 से भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, वो 7 बार जाना चाहिए, 7 × 49 = 4, 7 × 4 = 11, 7 बार हम लोग का जाएगा, 17 × 7 = 119 हो जाएगा। तो यानी 17 से आप 74 × 29 में भाग दोगे, तो 437 आएगा। अब 437 किससे कटेगा, तो 437 आप लोग का ये 19 से कटेगा। ठीक, आप कहोगे कि आपको भैया कैसे मालूम, ये एक ही बार बता दे रहे हो, तो देखो ये सवाल को सॉल्व करते करते मतलब हम लोग की रिपीटेशन हो गई है, हमें लगभग ये सवाल एक तरह से समझो कि याद ही हो गया है। ठीक है, चलो, तो ये 19 से भाग देते हैं इसमें, तो 19 × 19 = 19, ये 38 हो गया, 38 हो गया, तो 2 × 3 = 5 बचा, और यहाँ 5 आया, तो 57 हो गया, तो 19 × 3 = 57, 23, और 23 ये कट गया, तो 23 × 23, यानी इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड बराबर, गुणनखंड बराबर वो क्या हो जाएगा, 17 × 19 × 23।
ठीक है, ये हो गया हम लोग का पांचवा। तो हमने इस प्रकार ये पांचों जो हम लोग के फर्स्ट प्रश्न था, इसमें पांच हम लोग के ये प्रश्न दिए गए थे जिनका हमें गुणनखंड करना था, इन सभी का हमने गुणनखंड कर लिया। ठीक है, चलो भाई क्लियर यहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन के बाद, जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ये क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुण एलसीएम है। ठीक है, मतलब हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लसौ और मसौ ज्ञात करना है, और जांच भी करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो मतलब जिसका भी हम लोग लसौ और मसौ निकाल रहे हैं उन संख्याओं का गुणनफल उनके लसौ और मसौ के बराबर है। तो बिल्कुल ऐसा तो होता ही है, आप लोगों ने ये फार्मूला भी पीछे पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी दो संख्या है जैसे 26 और 91 है, तो इन संख्याओं का यानी 26 और 91 का जो हम लोग गुणनफल करेंगे वो बराबर होगा 26 91 के एलसीएम के, एलसीएम किसका, 26 91 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ किसके, 26 91 के। यानी हम लोग अगर 26 91 का गुणा करें तो ये गुणा जो यहाँ पे जो मान आएगा वो बराबर होगा किसके, इस 26 91 के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ठीक, चलो यही हमें प्रूव भी करना है, तो चलो इसका पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं और फिर इसको हम लोग थोड़ा प्रूव कर भी चीजों को देखते हैं। रुक जाओ, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग का पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का 26 और 91। चलो यहाँ हम लोग इनका सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे भाई, गुणनखंड करेंगे। तो चलो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं 26 91 का। तो 26 भाई 13 दुना का 26, यानी इसका गुणनखंड हम लोग का 2 × 13, 13 दुना का 26 हो जाएगा। और 91, अब 91 किस पहाड़े में आएगा भाई, ये हमें बताना है कि 91 हम लोग का किस पहाड़े में आएगा और इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, या डायरेक्ट हम लोग इसका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अब आपको सोचना पड़ेगा कि अब 91 किस पहाड़े में आएगा, तो भाई 13 के ही पहाड़े में आता है, 13 साथ 91 होता है, यानी 91 का गुणनखंड 7 गुणे आपका 13 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो इसका, अब इसका हमें एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मीन्स जो दोनों में मैच करे, तो दोनों में मैच, देखो ये 13 आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, तो एचसीएफ हम लोग का 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर, तो एलसीएम जो मैच करता है वो, और जो मैच नहीं करता है उसको भी लिखते हैं, तो जो मैच करता है उसको एक ही बार लिखते हैं, तो 13 13 ये मैच कर रहा है तो इसको एक बार लिख लेंगे, और गुणे जो बच रहा है यानी जो मैचिंग नहीं कर रहा है दोनों में, तो ये 2 और 7 बच रहा है, तो गुणे 2 × 7 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बराबर अब इनका हम लोग गुणा करेंगे, तो 7 × 2 = 14 और 14 में हम लोग 13 से अब गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 14 × 14 इसका, एक मिनट, चलो 7 × 14 हो गया और 13 से आप गुणा करो, 13 × 43 = 52 का 2 और 13 × 13 और 13 और 5 आपका 18, 182 हो जाएगा, हाँ 182 ही होगा। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें जाँच करनी है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं जो हमने ये 26 19 लिया है, इन दोनों का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखो कि जांच। ठीक, अब जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का क्या, लसौ गुणे मसौ। ठीक है, या इसको मसौ गुणे लसौ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का एक तरह से फार्मूला होता है, कोई भी दो संख्या हो गई ना तो उसका उन संख्याओं का, दोनों संख्याओं का अगर हम लोग एलसीएम यानी लसौ और एचसीएफ यानी मसौ निकाले, तो उन लसौ और मसौ का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे 26 और 91, तो पहली संख्या हम लोग की 26 हो गई, दूसरी संख्या 91 हो गई, ये बराबर होगी इन संख्याओं के लसौ और मसौ के गुणनफल के बराबर। तो लसौ हमने निकाला 182 एलसीएम, तो 182 लिख देता हूँ, और गुणे मसौ, तो मसौ हम लोग का 13 है तो 13, और फिर गुणा करते हैं और देखते हैं कि ये बराबर आता है, बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ पे देखो 26 91 में गुणा करते हैं, यहाँ रुक जाओ मैं थोड़ा कैलकुलेटर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो हम लोग का 26 × 91 है, तो 26 गुणे कहाँ है भाई, गुणे 91। ठीक है, तो ये बराबर हम लोग का 23 66 आ गया, ये हम लोग का क्या हो गया, 23 66 बराबर। अब 182 और 13 को गुणा करते हैं और वो देखते हैं कि बराबर आता है,
तो एक सौ हम लोग का ये 82 हो गया और घूंढे 13 हो गया, तो ये बराबर, ये देखो 23-66 ये भी आ रहा है, तो ये हम लोग का एक तरह से दोनों बराबर आ गया, तो ये हम लोग का प्रूफ भी हो गया। सिंपल मतलब यही हम लोग की जांच करनी थी, यहाँ लिखा है ना कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के बराबर है, तो बिल्कुल यहाँ देख लो बराबर है ही, पहली संख्या ये दूसरी संख्या और उनका LCM और HCF यहाँ निकाला था, तो उनका गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे देखो बराबर आ रहा है, तो जांच भी हम लोग की मतलब सत्य हो गई यहाँ पे। तो ऐसे इस सवाल को आपको करना है, इसी प्रकार इस सवाल को भी और इस सवाल को भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलो इन दोनों सवालों को भी हम लोग करते हैं, लेकिन रुक जाओ एक यहाँ पे मैं पेज ले लेता हूँ दूसरा सा कोई, एक मिनट यहाँ रुक जाओ, एक सादा सा पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है रुक जाओ, इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ तब होगा हम लोग का यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे। चलो ये हम लोग का सवाल हो गया, चलो भाई ये हम लोग का दूसरे का फर्स्ट हो गया, दूसरे का हम लोग सेकंड करते हैं, दूसरे का हम लोग सेकंड करते हैं, और सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पे देख सकते हो 510 और 92 है, ठीक है ये क्या है हम लोग का 510 और 92। अब चलो इनका हम लोग गुणनखंड करते हैं, भाई 510 है तो इसको हम लोग 51 × 10 लिख सकते हैं, और 10 को 2 × 5 = 10, और 17 × 51 होता है यानी 3 × 17, यानी हम लोग का गुणनखंड क्या हो 2 × 3 × 5 × 17, इसका हम लोग का गुणनखंड आ गया 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। चलो ये हम लोग का 510 का गुणनखंड हो गया, आप गुणनखंड जैसे शुरू में हमने निकाला था ऐसे कर आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाग दे देकर, ठीक है। चलो भाई अब देखो आगे देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ इस चीज को, एक मिनट। अगला गुणनखंड भाई हम लोग का 92 है, तो 92 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 92 का गुणनखंड यहाँ पे देखो ये आपका 2 × 2 × आपका ये 2×4 = 23, क्योंकि 2300 का 92 होता है, 4×3 = 12, 2×4 = 8, 1 = 9, ठीक ये हो जाएगा। इन दोनों का हमने गुणनखंड कर लिया, अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है एलसीएम, एलसीएम इस देखो क्या होता है लॉसस, इसको हिंदी में हम लोग लसा, तो लसा सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एक मिनट सॉरी यहाँ क्या कर लिया, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ठीक रहेगा, ठीक उसके बाद एलसीएम ज्ञात करते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ यानी इसको हम लोग बोलते हैं मॉश, ठीक ये बराबर जो दोनों में मैच करे, ठीक है तो दोनों में देखते हैं क्या क्या मैच करते हैं, यहाँ पे ये एक दो मैच कर रहा है, अब कोई मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो मैच कर रहा है उसको एक बार यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे HCF क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया, अब LCM ज्ञात करते हैं, तो LCM बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, अब देखो LCM जो दोनों में मैच करे उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो इसमें हम लोग का, और LCM को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, LCM को हम लोग लसा बोलते हैं, ठीक है LCM को हम लोग क्या बोल देते हैं लसा बोल देते हैं, तो LCM बराबर जो दोनों में मैच करे उसको लिख लेते हैं, अब जो मैच नहीं कर रहे उन सभी को लिखते हैं, तो गुणे देखो ये 2 ठीक है, गुणे ये 3 ठीक है, गुणे ये हम लोग का 5, उसके बाद गुणे ये 17, गुणे ये हम लोग का ये 23, इतना हो गया। अब इन सब का हमें गुणा करना है भाई, ठीक है इनका हमें गुणा करना है, तो देखो ये 2×2 = 4, 4×3 = 12, और 12×5 = 60, यानी 60 यहाँ तक, और 17×23, इसका देखते हैं हम लोग गुणा कर कैलकुलेटर से, बाकी आपको एग्जाम में भाई मतलब खुद से करना पड़ेगा, तो ये टाइम लगेगा, तो आप प्रैक्टिस करना खुद से कर, आप कैलकुलेटर का यूज मत करना, यहाँ मैं कैलकुलेटर का इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जल्द जल्द सवालों को कर लूँ, ठीक है। चलो तो ये हम लोग का 60 हो गया गुणे, एक मिनट ये 17 है तो 17 हो गया, और गुणे हम लोग का ये 23 है तो 23 कर लेता हूँ, ये बराबर हम लोग का 23460, 23460 आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा इसकी जांच करते हैं कि क्या ये जो आया है ये सत्य है, तो जांच कैसे करेंगे उसको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, तो चलो यहाँ पे हम लोग इसका जांच कर लेते हैं थोड़ा मेरे भाई, जांच जांच में वही जो फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन संख्याओं का हम लोग मौसा या पहले लसा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मौसा गुणे लसा, ठीक है ये बराबर आना चाहिए। तो पहली संख्या हम लोग की 510 है तो 510 गुणे दूसरी संख्या हम लोग की 92 है तो 92, ठीक है बराबर।
मस हम लोग का दो है और गुणे लस हम लोग ने निकाला यहाँ पे 23,460। ठीक है चलो अब गुणा करते हैं भाई। तो देखो गुणा करेंगे तो ये देखो हम 510 गुणे 92, यहाँ पे फिर मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और देखो यहाँ पे गुणा करता हूँ 510 गुणे हम लोग का 92 है ना, तो ये 92 तो ये बराबर 46,950 आ रहा है 46,950। और दो से इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो इसका हम लोग का देखो 23 दुना का 46 और 460 का हमें दो गुना कर देंगे तो वो 950 लगभग आ जाएगा। तो देखो यहाँ गुणा भी कर हम लोग देख लेते हैं, ये दो में हमें गुणा करना है गुणे 23,460 में, तो ये देखो 46,920 आ रहा है यार 46,920। यहाँ हमने गड़बड़ किया है क्या, एक मिनट रुक जाओ, 510 गुणे 92 इक्वल टू क्या होगा 46,920, यहाँ 950 मैंने लिख दिया है, सॉरी रुक जाओ इसको इरेज कर लेता हूँ, मैं इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ। ये हम लोग का गुणा करने पे क्या आ रहा है, ये 510 में 92 से गुणा करने पे 46,920 आ रहा है 46,920। और इधर भी हम लोग दो से गुणा करेंगे तो वो भी हम लोग का 46,920 आएगा। ठीक तो यहाँ पे ये हम लोग का एक तरह से जांच भी हम लोग की मतलब सिद्ध होती है, क्लियर। चलो तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें एक और हम लोग का क्वेश्चन बचता है थर्ड वाला, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 336 और 54 दूसरे में, ये एक और क्वेश्चन बचता है 336 और 54। तो चलो मैं इसको भी आपको करा देता हूँ, एक मिनट इसके लिए यहाँ पे एक और सादा सा मुझे पेज लेना पड़ेगा, रुक जाओ यहाँ से मैं ले लेता हूँ फिर हम लोग करते हैं, ऊपर लाता हूँ मैं यहाँ पे। चलो तो ये चलो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड का सेकंड। अब इसमें ये थर्ड वाला 336 और 54 यहाँ पे है, 336 और 54। तो चलो 336 और 54 को भी मैं सॉल्व करता हूँ, एक मिनट यहाँ आ जाता हूँ। ये हम लोग का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्या है हम लोग का 336 और 54। चलो इनका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो अब 336 का हमें गुणनखंड करना है भाई, तो पहाड़ा हमें 336 किस में आता है याद नहीं, तो इसको सिंपल सा हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, दो से भाग देंगे तो 2 × 1 = 2 और यहाँ 1 आएगा तो 2 × 6 = 12 और 1 बचा तो यहाँ आएगा तो 2 × 8 = 16 167 हो जाएगा, फिर 2 से तो 2 × 7 = 14 और ये 2 × 4 = 8 = 74 हो गया, 2 से तो 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14 37 74 बिल्कुल 37। अब 37 किससे कटेगा भाई, ये मतलब 2 × 3 = 6 × 2 = 7 = 14 नहीं कटेगा क्या, 37 किसी से भी नहीं कटेगा, हाँ बिल्कुल नहीं कटेगा, तो कटना चाहिए यार 2 × 2 से, ये कहीं हमने गलत किया है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ इसको फिर से हम लोग करते हैं, एक मिनट थोड़ा पंखा चालू कर लूँ, काफ़ी गर्मी हो रही है। ओके यार हाँ चलो माफ़ करना, चलो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ हमने 2 से भाग दिया, कहीं लग रहा है गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 37 इतने जल्दी है 336, देखो 2 × 1 = 2 ठीक है, यहाँ गया 2 × 6 = 12 1 गया 2 × 8 = 16 ठीक, 2 से फिर हमने भाग दिया तो ये 2 × 7 = 14 15 × 16 2 बचा, ओके ओके यहाँ 2 बचा, देखो यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया था, हमने 1 मतलब बचाया हुआ था ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, चलो चलो इसका चलो अब 2 से भाग देते हैं यहाँ पे, तो 2 × 7 = 14 15 × 16 2 बचा तो यहाँ हम लोग का 28 हो गया ठीक है, तो ये तो हम लोग का पूरा पूरा कट जाएगा, क्यों नहीं मैं कर रहा हूँ, अब ध्यान कहीं और है क्या, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8 84 हो गया, फिर 2 से 2 × 8 = 2 × 4 फिर हम लोग का ये 2 से तो हम लोग का 2 × 2 = 4 2 × 2 फिर हम लोग का 3 से 3 × 7 = 21 और फिर 7 से 7 = 7 यानी हम लोग का इसका गुणनखंड क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 चार हम लोग का 2 और 1 3 और 1 7 × 3 × 7 ठीक है। चलो एक मिनट इसको थोड़ा मैं साइड में करता हूँ, अब चलो 54 का हम लोग करते हैं ठीक है, 54 का हम लोग करते हैं, तो 54 का हम लोग का हो जाएगा सीधे सीधे इसको तो लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 = 6 हम लोग 18 × 18 = 36 × 18 = 54 ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का गुणनखंड 54 का, 2 × 6 = 36 × 18 = 54 ठीक है। तो चलो अब देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे, तो HCF बराबर HCF यानी वही मशा ठीक है, मैं बार बार हिंदी
मतलब लिख रहा हूं, तो जो दोनों में मैच करे। एचसीएफ क्या होता है, मशक क्या होता है, जो दोनों में या तीन, अगर तीन का निकालना हो तो जो तीनों में मैच करे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये एक दो मैच कर रहा है, और क्या मैच कर रहा है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तीन तीन है, तो यहाँ पे एक तीन है और यहाँ ये एक तीन है, तो एक तीन मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 = 6 हो गया। तो ये हम लोग का एचसीएफ, जो HCF निकल कर आया वो 6 हो गया। अब तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, कुछ कुछ नहीं कर रहा है। अब चलो LCM थोड़ा देख लेते हैं, LCM यानी इसका हम लोग का लॉशक क्या होगा। ठीक है, LCM हम लोग देख लेते हैं, इसका हम लोग का HCF कितना निकल कर आया, HCF 6 निकल कर आया, LCM देख लेते हैं। तो जो चीजें मैच कर रही है उसको तो एक बार लिख लेंगे, तो ये दो दो मैच कर रहा था तो एक बार, ये तीन तीन मैच कर रहा था तो इसको एक बार। अब जो मैच नहीं कर रहा है, तो देखो यहाँ 3 2 हम लोग का मैच नहीं कर रहा है, तो 2 × 2 × 2 × 2 इसको लिख लेंगे, और यहाँ पे देखो 2 3 बच रहा है, तो 3 × 3 × 3 और 1 ये 7 बच रहा है, तो 7 हम लोग कर लेंगे, और अंत में हम लोग इन सब का गुणा करेंगे। तो ये देखो गुणा करते हैं, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48, यहाँ तक मान लो हम लोग का 48 हो गया। ठीक है, और तितली का 9 और 9 = 63, यहाँ तक 63 हो गया, यानी 48 × 63। यहाँ पे कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ, ये 48 × 63 = 30, 24, ये हम लोग का आ रहा है कितना, 30, 24। ठीक है, यानी 3024। अब गुणा करते रहना, ठीक है, अब गुणा कर निकालते रहना, मैं कैलकुलेटर से जल्द जल्द कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब चलो हम लोग का HCF यहाँ आ गया 6, LCM आ गया ये 30, 24। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जांच, रुक जाओ दूसरी कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, जाँच, और जाँच में वही पहली संख्या जो फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का मौस गुणे उन संख्याओं का लस, आपस में बराबर होता है। पहली संख्या हम लोग की पहली संख्या क्या है, 336, तो वो हम लोग ले लेंगे 336 गुणे दूसरी संख्या 54, तो 54 हम लोग ले लेंगे बराबर उन संख्याओं का मौस, तो मौस 6 और लस 3024। ठीक है, तो ये देखो अब हम लोग दोनों का गुणा करते हैं, 336 × 54, तो देखते हैं 336 में 54 से गुणा करते हैं तो कितना आता है। तो ये देखो 336 × 54, तो ये बराबर हम लोग का 18144 आ रहा है, और इधर हम लोग का 6 × 3024 है, तो इसको भी हम लोग करते हैं 6 × 3024, 3024, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये भी देखो 18144 के बराबर आ रहा है, यानी दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग की जांच भी क्या होती है, सिद्ध होती है, प्रूव्ड होती है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसमें का, ये फर्स्ट सवाल, सेकेंड सवाल और थर्ड सवाल, तीनों सवालों का हमने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकेंड भी खत्म होता है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसको देखते हैं। अब देखो इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसमें केवल HCF और LCM ज्ञात करना है, इसमें हमें जांच नहीं करना है, तो केवल इसमें चलो हम लोग HCF और LCM जो भी संख्याएं हैं उनका हम लोग ज्ञात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक मिनट थोड़ा मैं ब्रेक लेता हूं, काफी गर्मी हो रही है। ओके यार चलो माफ करना, काफी गर्मी है तो फिर दिक्कत हो रही है। चलो अब इसमें पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो भी पूर्णांक ये दिए गए हैं इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो ये क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है, 12 है, उसके बाद हम लोग का 15 है और फिर 21 है। चलो इसका हम लोग HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, भाई 4 × 3 = 12, यानी 2 × 2 = 4 × 3, ये हम लोग का गुणनखंड हो जाएगा। ये 15, 5 × 3 = 15, यानी 3 × 5 = 15, ये हो गया इसका गुणनखंड। 21 का 17 = 21, ठीक है, यानी 3 × 7, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब चलो इसका हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF यानी मौस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हम लोग का मौस, ठीक है, बराबर जो तीनों में मैच करे, भाई जो तीनों में मैच करे वो क्या होगा, वो हम लोग का HCF होगा। HCF मीन जो सभी में मैच करे। यहाँ देखो 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, 3 जो है सब में है, तो HCF हम लोग का यहाँ पे 3 निकल कर आ जाएगा, सिंपल। तो HCF हो गया। अब देखो
अब कोई मैच नहीं कर रहा है तो अब छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखो हम लोग एलसीएम, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एलसीएम, यानी हम लोग का ये हो गया लॉस। ठीक है, अब देखो एलसीएम बराबर जो हम लोग का तीनों में मैच करे वो उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, और एलसीएम में अगर दो में भी मैच करता है तो उसको एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये इनका तो काम खत्म, इनका तो काम खत्म, इनका तो काम खत्म यहाँ पे। अब देखो दो में कोई मैच कर रहा है, दो में भी कोई चीज नहीं है जो मैच कर रहा है, तो जो सारी चीजें बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो ये दो गुणे दो यानी गुणे दो गुणे दो बच रहा है, गुणे पांच गुणे सात यानी ये चीजें हम लोग का ये और ये बच रहा है, तो गुणे पांच गुणे सात इतनी चीजें बच रही है। ठीक है, तो अब चलो इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो ये देखो तीन दुना का छह और हम लोग का छह दुना का बारह और ये पांच सात पैंतीस। ओके, यानी हम लोग का 12 गुणे पैंतीस, 12 गुणे पैंतीस इक्वल टू हम लोग का 420। ठीक है, हम लोग का ये हम लोग का क्या होगा 420 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, 420 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो ये एचसीएफ हो गया, ये हम लोग का एलसीएम हो गया। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अब इसमें सेकेंड वाला जो है इसको हम लोग कर लेते हैं, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। जो इसमें सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 17 23 29, 17 23 29। ये तो काफी आसान है, देखो सभी की सभी संख्याएं हम लोग की क्या है यहाँ पे अभाज्य हैं, यानी अभाज्य है मतलब किसी भी संख्या से एक और स्वयं के अतिरिक्त नहीं कटेंगे, इसलिए इसका गुणनखंड क्या होगा, एक गुणे हम लोग का 17 हो जाएगा, 23 का क्या होगा, एक गुणे 23 होगा। ठीक है, 29 का एक गुणे 29 हो जाएगा, सिंपल। तो इसका तो आसान है एकदम एचसीएफ निकालना, तो इसका एचसीएफ बराबर जो तीनों में मैच करे, तो तीनों में एक एक मैच कर रहे या कुछ भी नहीं मैच करता है तो एक को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एचसीएफ एक हो गया। ठीक है, अब देखो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एलसीएम तो वो हम लोग का जो मैच कर रहे हैं उसको एक बार, तो वो तो एक, एक को लिखने न लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और गुणे यहाँ पे 17 जो मैच अब नहीं कर रहे, गुणे 23 गुणे 29। अब इन सब का हम लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, एक मिनट, एक को तो छोड़ो, 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर ये देखो 11,339, 11,339 ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड बी क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, सेकेंड बी क्वेश्चन हो गया। अब चलो हम लोग थर्ड वाला कर लेते हैं और उसके बाद ये भी हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा समय छोटा कर लेता हूँ कि थर्ड वाला भी इसी पेज पे आ जाए। एक मिनट, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। चलो ये फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड वाला कर लेते हैं हम लोग। थर्ड वाला यहाँ पे क्या है, देखो ये हम लोग का थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला देखो यहाँ 8, 9 और 25 है, 8, 9 और 25 है। ठीक है, 8 का दो दुना का 4, 4 दुना का 8 हो गया, 9 का गुणनखंड तितली का 9 हो गया, 25 का 5 × 25 हो गया। अब देखो यहाँ पे HCF हम लोग देखते हैं, HCF एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूँ ठीक रहेगा, यहाँ पे काला वाला कलर, ये कलर पूरा ले लेता हूँ जो प्योर काला है। HCF बराबर HCF, अब देखो तीनों में हम लोग देखेंगे कॉमन, तीनों में कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो दो है, दो इसमें नहीं है, दो इसमें नहीं है, तीन भाई ये तो कोई मैच नहीं कर रहा है, जब कोई मैच नहीं करता है तो देखो इसके गुणनखंड क्या आ गया, जैसे 8 का गुणनखंड हमने क्या लिखा है, दो गुणे दो गुणे दो, तो इसके आगे गुणे एक भी लिखा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग लिखते नहीं है, केवल अभाज्य संख्या के लिए लिखते हैं। तो इसका मतलब कि इसके आगे एक है, इसके आगे भी एक है, एक है, तो यह तीनों मैच हम लोग का एक करेगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब कि अगर किसी में कुछ मैच नहीं करता है तो एच सी एफ एक हो जाता है। ठीक है, तो एच सी एफ यहाँ पे एक हो गया, सिंपल। अब इसका चलो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे देखो एलसीएम बराबर अब क्या होगा, एलसीएम बराबर अब देखो कुछ भी नहीं मैच कर रहा है तो सबको वही लिख देंगे हम लोग, दो गुणे दो गुणे दो, ठीक है, और गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन और गुणे पाँच गुणे पाँच। अब देखो बराबर इन सब का गुणा करते हैं, तो दो दुना का चार, ये दो दुना का चार, चार तेई बारह, सॉरी एक मिनट, दो दुना का चार, चार दुना का आठ, अतरी का 24 और तीन पचे 15, 15 × 5 = 75 यानी 24 × 75 एक मिनट, 24 × 75
ओके 1800, आप गुणा करते रहना, गुणा करोगे तो ये 1800 आपका आएगा। तो ये 1800 आपका इसका एलसीएम हो गया और एचसीएफ एक हो गया। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें जो तीन क्वेश्चन थे ये तीनों के तीनों क्वेश्चन भी हम लोग के समाप्त हो गए। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलो हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन एक बार और यहाँ पे ब्रेक मैं लूंगा मेरे भाई, क्योंकि इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो एक मिनट। ओके यार चलो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ यानी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एचसीएफ, और क्वेश्चन में दिया है 306 और 657, यानी 306 और 657 ये दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ बराबर 9 दिया है, यानी एचसीएफ यहां हमें दिया है, एचसीएफ 9 दिया है। एलसीएम हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका हल हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहली संख्या दिया है, यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर वो क्या है 306, दूसरी संख्या बराबर 657, और इनका हमें क्या दिया है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है एचसीएफ, यानी वही हम लोग क्वेश्चन में लिख देंगे मौसा हमें दिया है। ओके यार अच्छी बात, लाइट आ गई। चलो बैटरी मेरी बैठ रही थी इसलिए पंखा थोड़ा थोड़ा चालू कर वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन लाइट आ गई, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, पंखा काफ़ी तेज है इसको थोड़ा मैं धीमा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो यार क्या करूँ, चलो चलो छोड़ो। HCF यानी मौसा बराबर वो हमें 9 दिया है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा, मेन जो हम लोग का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, वो होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी, चलो इसको शॉर्ट में ही लिखता हूं, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर इन संख्याओं का मौसा गुणे लौसा हो जाएगा, ठीक है। मौसा मीन्स वही HCF, ठीक है, और लौसा मीन्स LCM। अब देखो यहाँ हमें तीन चीजें दी हुई हैं, आप कोई एग्जाम में यहाँ पे देखो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, और उनका मौसा है लौसा है, तो इसमें से कोई भी तीन दिया रहेगा आपके एग्जाम में और एक पूछेगा, तो सिंपल है कि जो जो दिया है उसको रख लो वहां वहां और एक जो पूछ रहा है उसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पहली संख्या 306 दिया है, तो इसके जगह पे हम लोग 306 रख लेंगे, ठीक है, और गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या भी हमें मालूम है वो क्या है 657, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो यहाँ पे एक मिनट, पहली संख्या 306 तो 306 गुणे दूसरी संख्या 657 तो 657 बराबर हमें मौसा दिया है, मौसा 9 दिया है, हमें लौसा पूछ रहा है, तो लौसा के जगह पे हम लोग लौसा उसी तरह रहने देते हैं, यानी LCM हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे अब पक्षांतर चीजें हम लोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे गुणा है, तो 9 जाकर उधर भाग हो जाएगा, यानी बट्टे में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि 306 गुणे 657 और बट्टे 9 बराबर लौसा, ठीक है। और इधर का इधर, इधर का इधर करेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो देखो इसके आगे कैसे कर देंगे, तो यहां से एक मिनट रुक जाओ, इसके आगे अब हम लोग करते हैं, इसके आगे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि लौसा बराबर इसको इधर कर देते हैं 306 गुणे 657 बटे में 9। अब इसको हम लोग कट पीट करते हैं, और कट पीट कर मतलब जो भी आएगा वही हम लोग का लौसा होगा, तो इसको हम लोग कटाते हैं थोड़ा, तो कटाएंगे तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये देखो तितली का 9 और ये 3 से कटेगा, तो ये हम लोग का 3 कम 3 0 और 3 दुना का 6 102 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से तितली का 9 3 चौका 12 फिर कट जाएगा, तितली का 9 3 चौका 12 34 हो गया, यानी 34 9 3 6 हो जाएगा क्या, 9 6 54 6 हंसी लगा 5 और 9 3 27 28 29 30 31 32 नहीं होगा क्या 326, तो ये कैसे कट जा रहा है यार, ठीक है रुक जाओ एक मिनट, पूरा का पूरा रुक जाओ एक मिनट, मैं हटाता हूँ पूरा का पूरा, बैक करता हूँ, यहाँ पे देखो 9 से यहाँ पे डायरेक्ट भाग देता हूँ 9 3 27
28, 29, 30, 3 बचा 9 चौका 36, 34 बार में कट ही जा रहा है यार। कैलकुलेटर से भी चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। 306, 306 भागे 9 इक्वल टू 34 आ ही जा रहा है यार। इसका मतलब इसको हम लोग कटाएंगे तो 34 होगा, और 34 से 657 में गुणा करेंगे तो गुणे 657, 657 बराबर ये क्या हो जाएगा 22,300 कहीं नहीं सैकड़ा हजार दस, हाँ 22,338 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, 22,338 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ये हम लोग का लॉशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अब देखो आपके ये ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो आपको इतना अगर ये दो मार्क में आए ठीक है, तब इतना आपको ये लंबा प्रोसेस ये स्टेप वाइज ऐसे लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका सीधे मतलब ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप देख रहे हो कि पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, और हमें इसका HCF 9 दी है, LCM ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर उनका मस गुड़े लस होता है, तो लस ज्ञात करना है तो मस उसके बट्टे में चला जाएगा, यानी 306 गुड़े 657 बटे 9 हो जाएगा, और इसी को हल कर देंगे तो हम लोग का मतलब एक निकल कर जो पूछा जा रहा है वो आ जाएगा। तो ये आपको मन में करना है इतना, ये स्टेप वाइज इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, अगर एक मार्क में आए तो ठीक है, और दो मार्क में आए तो ये स्टेप पूरा आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर मेरे भाई? चलो, ये क्वेश्चन एक मार्क में भी आता है और दो मार्क में भी कभी कभी पूछा जाता है। चलो, दो मार्क में पूछेगा तो यहाँ थोड़ा मतलब संख्याएं थोड़ा आपको लंबी लंबी देगा जिससे आपको कैलकुलेशन में टाइम लगे, और एक मार्क में यानी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यहाँ संख्याएं छोटी देगा जिससे आपका जल्द आंसर निकल जाए। बस यही अंतर होता है एक मार्क में और दो मार्क में पूछने का। तो ये चौथा क्वेश्चन भी क्लियर। चलो पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचवे क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, हमें जाँच करना है। ठीक है, पांचवे क्वेश्चन में हमें जाँच करना है कि जाँच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 to the power n अंक शून्य पे समाप्त हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 to the power जो n है, यहाँ n जहाँ प्राकृतिक संख्या है, यानी n का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो n के जगह पे यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी संख्या हम रखें जिससे इसको हम लोग हल करें तो यहाँ जो भी संख्या है उनके मतलब यहाँ पे प्राप्त हो उसके अंत में शून्य हो। तो क्या ऐसे ऐसी कोई संख्या है, तो चेक करते हैं। 6 है तो 6 के ऊपर हम लोग 1 रखेंगे तो 6 ही होगा, तो अंत में शून्य नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं यहाँ पे n के जगह पे तो 6 6 का 36, अंत में यहाँ तो 6 आ रहा है। अगर 6 के पावर में यहाँ आप 3 रखते हैं तो अब 6 के पावर 3 में 6 का 3 बार गुणा। तो क्या ऐसे हम लोग बारी बारी से मतलब 3 4 5 6 ऐसे रखकर चेक करेंगे? तो ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ चीज है। और ये क्वेश्चन ऐसा आपका दो मार्क में आता है, ठीक है, तो दो मार्क के लिए इतना मेहनत मतलब दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है देखो, वो मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। चलो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। कोई भी संख्या हो गई वो अंत में शून्य पे तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आए। जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो जैसे 10 है, ठीक है, तो देखो 10 के अंत में यहाँ पे 0 है, तो ये देखो इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आएगा। या कोई संख्या जैसे 20 है, तो 20 के यहाँ पे 0 है, तो देखो इसके अंत में मतलब इसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 गुणे 5 निश्चित आएगा। तो ये 5 चौका 20 यानी 2 दुना का 4 गुणे 5, देख रहे हो यहाँ 2 गुणे 5 आ रहा है। यानी कोई संख्या शून्य पे तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 प्रकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हो, अगर आपने मतलब जो मैंने एग्जांपल वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, अगर वो आप देखे होगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे। तो यहाँ पे देखो आप अब डायरेक्ट चेक कर सकते हो, 6 to the power n है, तो हमें यहाँ एन से अब कोई मतलब नहीं। अब देखें कि ये जो 6 है इसका गुणनखंड करेंगे तो ये तो 2 गुणे 3 होगा, तो 2 गुणे 3 या इसके गुणनखंड में, और पावर में n है तो पावर में n उसी तरह रहने देंगे, तो 2 गुणे 3 यहाँ पे, इसमें 2 गुणे 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा है और 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, तो इसका हम लोग n के जगह पे यहाँ कुछ भी रख दे, 1, 2, 5, 10, 20 कुछ भी रख दे और उसको सॉल्व करें तो यहाँ पे जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके अंत में शून्य नहीं होगा। ठीक है, आप रख कर चेक भी कर लेना। आप सोच रहे होगे, आप ये सोच रहे होगे, रुको मैं आपको एक मिनट करवाता हूँ। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि इस 10 रखें, जैसे 6 to the power n, n मीन्स प्राकृतिक संख्या, तो कुछ भी रखा जा सकता है, यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10 मीन्स क्या, यहाँ पे 6 का 10 बार गुणा है, ऐसे 6 का कितना 10 बार गुणा, तो 6 का आप 10 बार गुणा करो और यहाँ पे जो भी मान प्राप्त होगा देखना उसके अंत में शून्य नहीं होगा। ठीक है, वो कब शून्य होगा, तब इसका गुणनखंड ये जो दिया है कोष्टक में इसका 2 गुणे 5 टाइप का हो तभी,
तो अब इसको अब अल्टीमेटली कैसे हम लोग हल करेंगे, तो इसका छोटा सा स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिखोगे कि 6 to the power n, यहाँ पे हल लिख दो, हल 6 to the power n का गुणनखंड, का गुणनखंड 2 × 3 to the power n प्रकार का है, प्रकार का है। यहाँ पे लिखोगे चूंकि, ठीक है, चूंकि किसी संख्या का, किसी संख्या का गुणनखंड अगर 2 × 5 और 2 to the power, यहाँ पे n दिया है तो n यहाँ पे कर लो, n प्रकार का होगा तभी वह शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। अतः अतः 6 to the power n, अतः 6 to the power n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। क्लियर मेरे भाई, ऐसे आप स्टेटमेंट दे दोगे अगर ये 2 मार्क में आता है तो, और 1 मार्क में आता है तो, 1 मार्क में तो ये आता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो ऐसे इसको कर लोगे। अब मैं कुछ भी लिखूं यहाँ पे, 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, देखो आप कर लोगे। जैसे यहाँ पे 1 क्वेश्चन देता हूँ, आप बताओ क्या 7 to the power n शून्य पे समाप्त होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इसका गुणनखंड 2 × 5 टाइप का नहीं है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं आपसे कि क्या 25 to the power n, ये जहाँ n के जगह पे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं, तो यह शून्य पे समाप्त होगा। तो इसका आप गुणनखंड कर देखोगे तो ये 50-25, बीच में 2 × 5 होना चाहिए लेकिन केवल 5-5 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 50 to the power n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, क्या ये शून्य पे समाप्त होगा, तो आप कहोगे कि हाँ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 2 × 5 आएगा, ठीक है, तो इसलिए यह शून्य पे समाप्त होगा। ना अगर नहीं भरोसा है तो रख कर देख लो, जैसे 50 और यहाँ घात में n का मतलब कुछ भी रखो, 1, 2, 3, 4, तो 1 रखते हैं तो ये हम लोग का 50 होगा, या 50 के घात में अगर 2 रखते हैं तो 50 और 25, ये 2500 होगा। तो देख रहे हो जो भी संख्या प्राप्त हो रही है उसका अंत में देखो यहाँ पे शून्य आ रहा है, तो ये कब संभव है शून्य आएगा, जब उसके गुणनखंड में 2 × 5 हो। तो समझ गए पूरा पूरा इस क्वेश्चन का लॉजिक। चलो आशा करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो अगले क्वेश्चन पे थोड़ा हम लोग चलते हैं, 1 मिनट। चलो ये 5वां हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी काफी मस्त है, हमें व्याख्या करना है। व्याख्या कीजिए कि ये 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ओके, ये कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखो जो जब मैं पिछली वीडियो कराया था तो उसमें मैंने भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, किसी एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे मैं 8 हो गया, 8 एक तो एक से विभाजित हो जाएगा, 8 एक तो खुद से भी विभाजित हो जाएगा यानी स्वयं से हो जाएगा, और 8 इसके अलावा एक अन्य संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक अन्य संख्या, एक या कई सारी अन्य संख्या है, मैंने कम से कम एक से विभाजित हो किसी एक अन्य संख्या से, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक, कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो वो हम लोग की भाज्य संख्या होगी। और मैंने इसका एक गुण बताया था कि भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है ना, जो गुणनखंड होता है वो 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है। जैसे 8 का गुणनखंड ले हम लोग, तो ये देखो 2 × 4, 4 × 8, 3 हो जाएगा, और इसके साथ हम लोग 1 ले ले तो 1 × 2 × 2 × 2 इतना गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन वही मैंने अभाज्य संख्याएं जितनी भी थी उनका बताया था कि केवल 2 गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे बताया था, 1 मिनट, अभाज्य संख्या जैसे हम लोग का 7 अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड 1 × 7 होगा, हम लोग का 11 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का देखो 1 × 11, केवल यही 2 गुणनखंड आएंगे ये अभाज्य संख्या में, ठीक है, अभाज्य
संख्या में, लेकिन भाज्य संख्या में इनके अलावा एक और या एक से ज्यादा गुणनखंड आएगा, तो इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे और देखेंगे कि क्या मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है, और दो से ज्यादा गुणनखंड आएगा तो सिंपल वो भाज्य संख्या हो जाएगी, वही हमें मतलब प्रूव करना है। तो चलो इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला जो 7 × 11 + 13 है, तो इसको हम लोग करते हैं सबसे पहले हल, और इसमें लिखते हैं 7 × 11 × 13 + 13 है। अब देखो इस प्लस को हमें कैसे भी कर यहाँ पे हटाना है, क्योंकि गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये चीजें गुणा है, यहाँ तक तो एक है और एक ये अलग है, और दोनों में देखो 13 है, दोनों में यहाँ 13 कामन है, तो हम लोग 13 कामन ले लेंगे। तो 13 कामन लेंगे तो यहाँ इनमें से 13 कट जाएगा, तो 7 × 11 बचेगा, 7 × 11 बचेगा, और यहाँ पे भाग जाएगा तो +1 बचेगा। क्लियर? अब देखो ये 13 और ये देखो 11 × 7 = 77, 1 = 78 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। और यहाँ कोष्ठक हटेगा, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का गुणे का चिन्ह आ जाएगा, गुणे 78। तो अब देखो 13 × 78 हो गया, बराबर बराबर मैं लिखते जाता हूँ। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 78 को भी हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग 1 × 13 × 78। यहाँ देखो 3 गुणनखंड हो गया एक तरह से, तो यहाँ हम लोग व्याख्या कर देंगे, लिख देंगे किसी भाज्य संख्या का, किसी भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है। यहां अब ये संख्या लिख देंगे कि 7 × 11 × 13 + 13 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ऐसे आप लिख दोगे, बस ये हो गया। इसी प्रकार इसको भी कर लोगे। अब देखो इसमें आप 5 कामन लोगे, देखो दोनों में 5 है तो 5 कामन लोगे, तो देखो कर ही देता हूं मैं, चलो इसको मैं कर ही देता हूं, क्या दिक्कत। ये देखो हम लोग का ये है 7, एक मिनट यहाँ हल लिख लेता हूँ, सॉरी इसको काले पेन से करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ हल, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो यहाँ देखो ये 5 और 5 दोनों में 5 कामन है, तो यहाँ पे हम लोग 5 कामन लेंगे, 5 कामन लेंगे तो ये 7 × 6 बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में इधर हम लोग का 1 बचेगा। अब चलो 5 और क्वेश्चन में ही रखता हूँ, अब इनका गुणा करते हैं, 7 × 6 = 42 और ये 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24, 24 × 42, 24 × 42 कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ, 24 × 42 तो ये हम लोग का 1008 होगा, और एक ये जुड़ेगा तो 1009 होगा। तो यहाँ मैं अभी लिख लेता हूँ 1000, ये हम लोग का 8 हो जाएगा, और ये +1 है तो +1, ठीक है। चलो अब देखो बराबर बराबर ये 5 × 1008 और एक जोड़ेंगे तो 1000, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे कोष्ठक टूटेगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब देखो बराबर इसको 1 × 5 × 1009, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई दिक्कत नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही ये 3 हो गया, ठीक, ये हो गया गुणनखंड इसका। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे वही, क्या लिखेंगे कि किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है, यहाँ और ये संख्या लिख देंगे, यहाँ 7 × 6 × 5 इतने का गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ऐसे आप स्टेटमेंट दे दोगे आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये हुआ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये 2 क्वेश्चन थे, ये दोनों को हमने कर लिया एक तरह से। तो अब कैसा भी आपके क्वेश्चन आपको अलग अलग बना कर दे तो आप कर लोगे ना, चलो आशा करता हूँ आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 रहा। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर, या चैप्टर नहीं, ये प्रश्नावली 1.1 हम लोग की क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, यानी रास्ता है, मतलब रास्ता बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, जैसे ये खेल का मैदान है, कोई भी देखो ये मान लो एक ये हम लोग का खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ ये एक वृत्ताकार हम लोग का पथ है या दौड़ने वाला एक मान लो ये दौड़ने वाला एक मतलब मतलब बना हुआ है, ठीक है, ये बीच में हम लोग की ये क्रिकेट की पिच है और इसके चारों तरफ ये दौड़ने वाला बना हुआ है। मान लो
आगे चलो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मीन्स सोनिया है, सोनिया है उसको, इसका मान लो यहाँ से स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक चक्कर यहाँ से पूरा करने में उसको 18 मिनट लगते हैं। और उसी आगे देखो, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में जो रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं, यानी जो रवि है ना, ये देखो जो रवि है उसको यहाँ से स्टार्ट करता है तो एक चक्कर लगाने में उसको कितना 12 मिनट लगते हैं, यानी रवि तेज दौड़ता है। यानी यहाँ से सोनिया और रवि एक साथ दौड़ेंगे ना तो रवि पहले पहुँच जाएगा और सोनिया अभी कहीं पीछे रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसको अधिक टाइम लगता है। तो आगे बोल रहा है कि 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि सोनिया जो है, यहाँ पे सोनिया इस राउंड का एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, तब दोनों को यहाँ से एक साथ छोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वो किस टाइम पे पुनः एक साथ यहाँ पे मिलेंगे, तो वो कौन सा टाइम होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ फिर थोड़ा लॉजिक समझो। अब देखो, जैसे पहले चक्कर में क्या होगा कि पहले पहला चक्कर स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 12 मिनट में रवि यहाँ पे चलाएगा, लेकिन जब सोनिया ही यहाँ पे आएगी 18 मिनट बाद तो रवि यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसकी अपेक्षा वो क्या करेगा, सोनिया की अपेक्षा हमेशा आगे चलेगा और इसी तरह चलता रहेगा, चक्कर चलता रहेगा। और एक ये एक ऐसा समय आएगा कि जो रवि होगा ना वो मतलब पीछा आते 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 मतलब एक चक्कर पीछे से मतलब सोनिया को पकड़ लेगा, ठीक है, ये दूरी होते 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 एक होगा पीछे से मतलब आकर रवि पकड़ लेगा और वही हमें समय ज्ञात करना है कि कब पकड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसके लिए हमें जो ये 18 और 12 जो दिया है मिनट, इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि वो मिनट तो अधिक होगा, 18 मिनट 12 मिनट से वो कहीं ना कहीं कुछ अधिक ही टाइम होगा, तो 18 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे क्योंकि एलसीएम अधिक आता है, ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे तो वो समय मालूम हो जाएगा। तो पूरा पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम सीधे सीधे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग का 18 है और 12 है, ठीक है, तो हम लोग 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, या यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट भी ऊपर लिख सकते हैं कि उनके पुनः एक साथ मिलने वो मिलने का समय 18 और 12 के एलसीएम के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 18 और 12 के एलसीएम निकालेंगे, तो 18 का 6 3 18, तो 2 3 6 6 3 18, ठीक है, 3 2 3 6 6 3 18, 12 है तो 4 3 12, यानी 2 × 2 × 2 = 4 और 4 = 12, ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम बराबर, अब देखो मैचिंग देखते हैं, मैचिंग तो भाई 1 2 और 2 का यहाँ पे मैचिंग हो रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, रुक जाओ दूसरे कलर से लिखता हूँ तब अच्छा रहेगा। देखो इन दोनों का मैचिंग हो रहा है, ठीक है, 2 3 6 6 3 18, 2 × 4 = 4 3 = 12, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मैचिंग हो रहा है तो इसको एक बार हम लोग लिख लेंगे, और उसके बाद इस 3 और इस 3 का मान लो एक बार मैचिंग हो रहा है तो इसको एक बार लिख लेंगे, और जो बचता है तो ये और ये बच रहा है, तो गुणे 2 हम लोग 3 लिख लेंगे। अब देखो इन सब का गुणा कर देंगे, 2 3 6 2 3 6, यानी 6 6 का 36, और 36 क्या, ये 18 और 12 मिनट में था तो ये भी मिनट में आएगा, यानी 36 मिनट बाद वो एक साथ पुनः मिलेंगे, सिंपल। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, इस ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक था जो मैं डिटेल में आपको पहले ही बता दिया, ठीक है मेरे भाई। तो चलो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्नावली में, यानी प्रश्नावली 1.1 में हम लोग के केवल 7 ही क्वेश्चन थे, केवल हम लोग के 7 ही क्वेश्चन थे, और 7 के 7 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये प्रश्नावली होती है हम लोग की एंड, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 करेंगे और ये आपका पहला जो चैप्टर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बाकी मैं कहूंगा, अगर आप अभी तक, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी एक ऐप है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, UPMSP स्टडी कर, इसे आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो, ठीक है, ऐप का नाम क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, UPMSP स्टडी, इसको आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है मेरे भाई। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।